नो, पता नहीं मैं क्या करूं। मम्मी को पापा को सच बता दूं मैं वापस क्यों आई या झूठ बोलूं? पर मैं जब भी झूठ बोलती हूँ तब बहुत गंदे फंसती हूँ। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जापान से तो आ गई पर यहाँ पे आके क्या करूं? शीला प्लीज इतना टेंशन मत लो। कैसे ना लो अभिजीत, टेंशन टेंशन की बात है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा लग रहा है वापस चली जाती हूँ जापान। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हूँ इस बार, मैं जाने ही नहीं दूंगा। ये तो अच्छा है बस पैसों के साथ फ्रॉड हुआ, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ शीला। तुमने कंप्लेंट की है और पुलिस अपना काम करेगी, तो प्लीज उसके बारे में सोचना छोड़ दो और हंसो। हंसो यार शीला पहले जैसे। ओहो तो तुमने ठान लिया है तुम नहीं हंसोगी। मैं भी तुम्हें हंसा कर ही रहूंगा, देख लेना। चैलेंज लगाओ मुझसे। चैलेंज चैलेंज, अगर मैं हंस गई तो तुम जीत गए। हंसोगी तुम जरूर हंसोगी, और ये चैलेंज है। हम हारने वालों में से नहीं है मैडम, देख लेना अभी तुम हंसोगी। मुझे नहीं लगता। हाँ भाई छुट्टी। हेलो दीदी। क्या तुझको रात ही मिल जाएगी तो रुके घर में जाने के लिए? क्या करूँ दीदी, दिन भर इतना काम होता है घर में, और आपको तो पता ही ना अभी हम न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं। नहीं पता। अंदर आके बात करूँ क्या? गेट लॉस्ट। हाँ आना अंदर आ। क्यों आ गई ये? मैनर्स लिस्ट की शर्म वरम एक ही नहीं इसको। आ गई रात रानी। अय्या रात रानी बोल रही है मुझे वो। थैंक यू। तारीफ नहीं कर रही मैं। क्या तुम बहने कुछ भी तारीफ लगता है तुमको? मैनर्स लेस छुट्टी आना अंदर बैठ। हाँ दीदी। हेलो शीला, मैं आपका प्यारा अभिजीत जोकर, और आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ इस सोसाइटी के कई सारे अतरंगी नमूने। आप हंस रही हो? नहीं हंस रही मैं। हमारे सोसाइटी में कई सारे अतरंगी नमूने हैं, क्यों मेरे प्यारे चिकू? हाँ बराबर कहा, मैं भी उनमें से एक नमूना हूँ, पर बाकी सारे भी तो है। जैसे कि हमारे सामने ही है सबसे बड़ा नमूना जो करती है मम्मी मम्मी। दूसरा नमूना है उनकी प्यारी मम्मी, क्या करती है वो? हाँ। और तीसरा नमूना उसकी प्यारी भाभी। भाभी कैसे करती है? आगो भाई 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 आगो भाई। चौथा नमूना मेरी प्यारी दोस्त है, पता है उसका नाम क्या है? जोया। हाँ जो हमेशा एक ही पोज में रहती है। जोया की भी एक और दोस्त है जो मेरी भी दोस्त है, वो है कोलकाता की हीरोइन। हाँ जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट कौन कौन कौन? मिसेस ब्रैंडेड। मैं ब्रैंडेड, मेरे बेटे ब्रैंडेड, मेरा बेटा ब्रैंडेड, पति ब्रैंडेड, सास नहीं ब्रैंडेड, इग्नोर हर। आप रोना मत शुरू कर देना वापस। हाँ बेचे, थैंक यू सो मच मुझे हंसाने के लिए। तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो। शीला जो चीजें हो गई उसके बारे में सोच कर टाइम मत बर्बाद करो। तुम एक बार फिर से यहाँ पे अप्लाई कर सकती हो जॉब के लिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बस उनके ऊपर फोकस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा। बैठो बैठो। नॉट सो कम्फर्टेबल बट फिर भी ठीक है, बैठने लायक है।
रेसिपी जैसे, जो बात करने आई वो कर। छोटी बोल ना, क्यों आई हो इतनी रात को? हाँ दीदी, मैं ये बोल रही थी, हमारा जो 3 करोड़ का घर है ना, उस 3 करोड़ के घर में हमने फाइनली एंट्री ले ली। तो हम क्या करें? नाचे गाए? तूने हमारे घर में एंट्री क्यों की है बोल? दीदी कैसे बोलती है ये? नहीं, आपके घर में आए कि ना आए मुझे ये बोलो। माता उठ, बिन बुलाई मेहमान उठ उठ। सासु माँ कब का तू ऐसे भी ऐसे? छोटी छोड़ ना, इनकी बातों पे ध्यान मत दे, तू बोल क्यों आई है? मैं क्या ही बताऊं दीदी, इतना सुंदर इंटीरियर किया है ना हमने हमारे घर का। क्या 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 बोली? इंटीरियर। पता है तू एबनॉर्मल है, पर इतना गर्दन हिला हिला के बोलने की क्या जरूरत है? इंटीरियर, पूरी इंटायर गर्दन हिल रही तेरी। बड़े बड़े लोग ऐसे ही बोलते इंटीरियर। तू तो छोटी है। आई एम नॉट छोटी। शर्मिला की छोटी बहनी है ना या बड़ी बहन है? छोटी है, छोटी चिट्टी जैसी छोटी छोटी। वो तो सिर्फ दीदी के लिए, पर बाकी मैं सबसे बड़ी हूँ, और हमारे घर में सबसे ज्यादा बड़ी यानी कि आप कह सकते हो अमीर, सबसे ज्यादा मैं ही हूँ। तू बस ये दिखाने आती है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरी लाइफ कितनी ज्यादा लग्जूरियस है, मैं कितनी ज्यादा लग्जूरियस हूँ, कितनी ज्यादा लफंगी हूँ। नहीं नहीं कैसी बात कर रही हो आप, ऐसा कुछ दिखाने वगैरह नहीं आती मैं, बस बताने आती हूँ। दिखाना या बोलना एक ही होता है। हाँ तो हमने आज ही एंट्री ली उसमें, और क्या घर बनाया दीदी 3 करोड़ का, और उसका एंटायर इतना अच्छा है ना दीदी, मैं तो देख के पागल हो गई, और मैं ये चाहती हूँ आप भी हमारे घर पे आ जाए। थोड़ा सा अभी बाकी है, किचन का थोड़ा सा करना है, वो किचन का पूरा नहीं हुआ, पर किचन में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो आप आ सकती हो देखने के लिए, ऐसा मस्त घर बना है ना दीदी। हो का? हो दीदी, क्या घर बनाए, बाप रे आप इमेजिन नहीं कर सकती इतना अच्छा घर बनाए। मैं कहती हूँ आप पूरी फैमिली के साथ हमारे घर पे आ जाइए। कुत्ता क्यों भौंक रहा है दीदी इतना? छो बेजी का कुत्ता है शायद, कभी नहीं भौंकता, आज क्यों भौंक रहा है? कहते हैं कुत्तों को भूत पिशाच चुड़ैल डायने दिख जाती है, इसलिए वो भौं भौं करते हैं। अच्छा हाँ ये सच है, हाँ कुत्तों को बिल्लियों को नेगेटिव चीजें दिख जाती है। पर सच में हैरानी की बात ये है, ये कुत्ता इतने दिनों बाद आज पहली बार भौंक रहा है, पता नहीं क्यों। तेरी बहन जो आ गई। हमें कहा थी आप पूरी फैमिली मिलके आ ही जाओ हमारे 3 करोड़ के घर में, उसी बहाने आपको 3 करोड़ का घर तो देखने को मिलेगा कैसा होता है। ये क्या आप घोंसले में रहते हो? आ जाओ जरा हमारे घर, पैलेस जैसा बना है हमें, पैलेस जैसा, इतना ब्यूटीफुल यूनिक है ना, और समंदर भी है उसके पास, ऐसा झुन 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 हवा चलती है सर, खिड़की खोलो तो पूरा गार्डन, और गार्डन में मैंने सब विदेश के पेड़ लगाए, इतने अच्छे पेड़ हैं। आप आ जाओ दीदी, मैं बता नहीं सकती इतना अच्छा घर है मेरा। देखते 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 कुछ नहीं, आप कल आओगी, वैसे भी कितना दूर है हमारा घर, 3-4 घंटे लगते हैं बस। सस माँ क्या करे, इनसे क्या पूछने, कल बताते हैं तुझे आएंगे कि नहीं। बताना मत, सीधा चले आना घर पूरी फैमिली के साथ, ठीक है दीदी? देख छोटी, ये कोई नहीं ना आया तो मैं तो जरूर आऊंगी तेरा 3 करोड़ का घर देखने, बहुत दिनों से कांटे की तरह मेरे कान में 3 करोड़ 3 करोड़ चुभ रहा है, मैं भी तो देखूं क्या है ऐसा 3 करोड़ के घर में, आऊंगी मैं जरूर आऊंगी। हाँ आपको तो चाहती हूँ, आप आओगे तो भी चलेगा, देखने को मिलेगा ना आपको 3 करोड़ का घर। हाँ लगता है मेरी 2 करोड़ की गाड़ी लेके ये नीचे आ गए, जाती हूँ मैं, आना आप कल पक्का, वेट करूंगी मैं आपका, दरवाजा लगाती हुई जाना। ससमा जाते हम कल 3 करोड़ का घर देखने, इतना बुला रही है वो। ससमा इनको जाके बता देते। ओ आई लेखा भाई क्या कर रहे हो अमन सला, अभी तो जग रहे थे सो भी गए। ओ माय मिस्टर, ओ माय लंदन के पैलिस्टर। पैलिस्टर होता है शर्मिला वो। तेज से उठाना, डराओ डराओ, उठिए जरा। छोटी आई थी, भगाओ उसको। क्यों आई थी साली साहिबा? इनविटेशन देने के लिए आई थी, बोल रही थी 3 करोड़ के घर का काम पूरा हो गया उनका, वहां पे जाके हम क्या करेंगे? देखेंगे, उसने कहा है स्पेशल इनविटेशन दिया है, हम पूरी फैमिली को बुलाया उसने कल। कल बुलाया ना? हाँ तो अभी क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो, सोने दो मुझे।
क्या करा इस आदमी को, कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता कभी। जाने दो मुझे, क्या कल सुबह इनसे बात करती हूँ। अभी टोटका करती हूँ। टोटका क्या? डर गए ना, मजाक कर रही हूँ, टोटका नहीं करूंगी। डरियो मत, मैं ही हूँ। क्या हुआ शर्मिला, सुबह सुबह से मुंह के पास क्यों आके खड़ी हो? वो कल रात मैंने आपसे बात की थी। किस बारे में? इतने जल्दी कैसे भूल जाते हो, 12th कैसे पास हुए? मेरा छोड़ो, तुम 12th फेल क्यों हो गई है बोलो। सॉरी, कुछ बोल रही थी तुम? हाँ, मैं ये बोल रही थी, कल मैंने आपसे बात की थी ना, छोटी आई थी रात को। उसका क्या? और उसने हमें आज पूरी फैमिली के साथ उसके 3 crore के घर पे बुलाया है। क्या कर रहे हो, बस जाना है कि नहीं? जाना है भाई। भाई भाई, सच में मैं अभी पैकिंग करती हूँ। मेरी साली के उधर नहीं जाना। तो कहाँ जाना है? ओ सुबह सुबह दिमाग खाना शुरू कर दिया। ओ परेशान कर दिया शर्मिला ने। आई खाना। ओ आओ अंदर आओ। नहीं आओ अंदर आओ, चलो। नहीं नहीं, बहुत पीछे 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 आ रही हो कब से, कुछ प्राइवेसी है कि नहीं मेरी? चलो अंदर आओ, आओ अंदर आओ। तो नको। क्या हुआ सुन भाई? अंदर बुला रही मुझे। क्या रे केकड़े, तू तू तेरे पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हो। शर्मिला शर्मिला, पूरी बात बताओ ना, आधी अधूरी बात क्यों बताती हो, हर बार मुझे फंसाती हो। देखो पापा, क्या हुआ, कुछ बात है इसकी फालतू की, जो पीछे 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 लेके आ रही थी मेरे पास। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर भी पीछे पीछे आ रही थी, इसलिए मैंने गुस्से में बोला आओ आओ। तभी आप आ गए, फिर इसने आपको चुगली की, वो भी गलत। पूरी बात बताती नहीं कुछ नहीं। अभी जा रहा हूँ मैं नहाने, शांति से नहाने दो। वाह, अब तुझे नहाने का सोच रहा है? पूरी दुनिया नहा के खा के बैठ गई, तू नहाने जा रहा है? वाह वाह वाह। सुन भाई, कितने बज रहा है? 9:30। 9:30 बजे तुझको नहाना है। सुन भाई, एक कड़क चाय लाओ। क्या बात है सुरों की मलिका? अरे क्या, क्यों अपने सुरों से तुम लोगों के घरों के शीशे तोड़ना चाहती हो? चुप बेटी है, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। अच्छा सुनिए ना, मुझे ना आपसे एक बात की परमिशन चाहिए थी। किस बात की परमिशन? गमों पर सारे शो है ना, तो उसका ऑडिशन चल रहा है। अभी यहाँ पे आए वो ऑडिशन करने के लिए, गमों पर सारे के। तो मैं चाहूँ कि ऑडिशन देने के लिए, मेरी बड़ी इच्छा है म्यूजिक शो में पार्टिसिपेट करने की। मेरे टैलेंट को भी कहीं मंच मिलना चाहिए कि नहीं? गमों पर सारे? हाँ गमों पर सारे। सारे के सारे भाग जाएंगे तुम्हारा आवाज सुन के। गमों पर सारे में ऑडिशन करने जा रही हो? आपका ऐसा ही है, कभी मुझे कुछ करने ही नहीं देते। मैंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, पर जो चीज आती है वो करनी चाहिए ना, जो आती नहीं वो क्यों करती हो? सर जी चाय। कसमा कुछ कॉफी? नो आई डोंट नीड एनीथिंग। अच्छा सर सुमा, क्या सोचा फिर आपने? क्या ले जे सभी टवे सीमा, ये भी नहीं नहाई क्या अब तक? नहीं नहीं नहाई हूँ मैं, ये देखिए संतूर का सोप का वास आ रहा है। नहीं नहीं ससुर जी, वो क्या हुआ, कल रात को मेरी छोटी बहन आई थी। उर्मिला क्या? हाँ, तो उसका वो 3 crore का घर अभी बन के तैयार हो गया है, तो वो बोल रही थी आप सब आ जाओ देखने के लिए कैसा है क्या है, उसी को इनविटेशन देने के लिए आई थी। अच्छा, ससुमा बोली कि कल बताते हैं, अभी कल आ गया ना आज, तो ससुमा क्या करे आज? अप्पा शर्मिला, ए शर्मिला बेटा बोलिए कौन? अरे भाई भाई, दरवाजा लगा लेके बाहर तुमने? अकल वकल नाम की चीज है कि नहीं तेरे अंदर? शर्मिला सच में माँ बराबर कहती है, इसको मैनर्स जैसी है ये, कोई मैनर्स नहीं है। शर्मिला दरवाजा खोलो। आती हूँ बेटा। रुको, कोई नहीं जाएगा, मैं जाता हूँ।
तो हो गया तुझे जो चाहिए था यही चाहिए था ना, अभी वो जाके मेरे बेटे को डांटेंगे, यही चाहिए था ना तुझे, पड़ गई तेरे दिल को ठंडक। 20 साल पहले भी मेरे बेटे को फंसाया, ऐसे ही फंसाती फंसाती रहे बस उसको, बेअकल कहीं की। मुझ में है अकल, वही बेअकल है। एक बार फंस गए बार बार फंसने की क्या जरूरत है, उन्हीं को पसंद है मेरे जाल में फंसना। जाल नहीं, माया जाल। अरे पागल औरत, दरवाजा खोल। माना कि हम यार नहीं, लोते हैं के प्यार नहीं। जा जा कपड़े पहन के आ, नंगा पूंगा। ओ क्या कर रहे? अरे उसको कपड़े तो पहनने दे। नहीं माँ, ऐसे ही आता हूँ मैं, हमारी वैसे भी क्या इज्जत होती है, क्यों शर्मिला, चलो चलते ऐसी। ठीक है चल चल चल। नहीं पापा नहीं। ओ नो, क्या बोलेंगे बाहर के लोग, छोड़िए उसको। अभी तो कहा चलते, चलो चलो है, चलो इसको ऐसे ही लेके चलते चल। नहीं नहीं शर्मिली जी देख लेगी। अभी तो कहा तूने, तेरी कोई इज्जत नहीं यार। है पापा है, इज्जत है। है कोई बात नहीं, इसके बाद नहीं रहेगी, चल माँ। अरे छोड़िए उसको बेटा, जा पहन के आ कपड़े। ओ शिट, कहाँ पे रख दिया मेरा टॉप, वो मिल। मम्मी मेरी पैंट कहाँ है, वो ब्लैक कलर के टॉप के नीचे पहनती हूँ मैं, वो वहीं पे होगी देख, मिल नहीं रहा। अच्छा वो स्कार्फ कहाँ है, मुझे स्कार्फ भी चाहिए, मेरे बाल बहुत इधर उधर उड़ते हैं। तो कार देना बाल, सब यही चाहती, पेट कमीने काले कुत्ते। सॉरी पापा। पापा आप आ रहे क्या हमारे साथ, मौसी के यहाँ पे 3 करोड़ का घर है ऐसा मम्मी बोल रही थी, और वहाँ बहुत कुछ कुछ है, आप भी चलो। देखता हूँ मैं, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है मेरा। कहाँ है मम्मी वो स्कार, वो भी वहीं पे है, सब कुछ अच्छे से पैक कर ले। पैकिंग, किस बात की पैकिंग, जाना है ना आज। कौन जा रहा है, कब जा रहा है, किसने बोला, मैं नहीं आ रही। देखो ससमा, अगर आपको नहीं आना इनको नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं और बच्चे जाने वाले है। ससुर जी आप आओगे क्या? सुनो भाई मैं आना तो चाहता हूँ, पर मंदिर में प्रवचन रखे तो मुझे वहां जाना है। ठीक है, कितने दिन हो गए कहीं बाहर घूमने नहीं गए हम, बच्चों को कितना मन है, कभी उनको हम गाँव लेके नहीं जाते, इधर नहीं लेके उधर नहीं लेके, इस बार मैं लेके जाऊंगी। मम्मी मेरी सारी पैकिंग हो गई है। हो गई सारी पैकिंग, वेरी गुड। पापा आ रहे क्या हमारे साथ? रुकना, तेरे पापा को आने दे, एक बार उनसे पूछते, अगर उनको आना हो तो आएंगे, नहीं आना हो तो यही पे रहेंगे। और ससुमा है सबको खाना पीना खिलाने के लिए। क्यों ससुमा, मैं जाने के बाद आप ससुर जी को इनको रोटियां बना के खिलाना। चलो इसी बहाने ललिता के हाथ का खाना बरसों बाद खाने को मिलेगा। अगर ये आती तो काम बच जाता, पर इनको नहीं आना, क्यों फोर्स करें, जाते हैं हम अपना बच्चे लोग एंजॉय करने के लिए। बहू, ए बहू रोक जरा। नहीं सुधरेगी ललिता। सुन ना, मैंने बहुत सोचा, कितने दिन हुए हम बच्चों को बाहर लेके ऐसा घूमने नहीं गए, दिवाली की छुट्टी गई, समर तो कब का गया, वापस आ जाएगा, हम कहीं बाहर जाते ही नहीं, और बच्चों का भी मन करता होगा ना यहाँ वहाँ जाने का, तो थोड़ा एंजॉय हम करते, मैं भी आती हूँ तेरे साथ। आपको तो नहीं आना था ना। कब बोला मैंने मैं नहीं आऊंगी? ओह सब अभी आने वाली है, आप भी चलो। शर्मिला देखो, मैं चाहता तो आना पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते, आपका हर बार ऐसा ही होता है, कभी फैमिली टाइम को स्पाइन नहीं करते। स्पेंट स्पेंट कैसे, देखिए आपको आना ही पड़ेगा। ये देखो शर्मिला, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो मुझे मेरे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, एक तो बहुत मुश्किल से लगा है मेरा जॉब, नया नया जॉब है, अभी तक साल भी नहीं हुआ शायद से। सुनो भाई तुम लोग जाओ, मैं और प्रवीण रहता हूँ यहाँ पे। भाई फिर ससुर जी, फिर आपके खाने पीने का क्या हो, करते हैं हम कुछ बंदोबस्त। तुम आप रह जाइए। क्यों भाई, मैंने रुकने वाली यहाँ पे, एक तो दिन बच्चे मेरे कम, जितने बच्चे उतने मुझे एंजॉय करने दे, जाऊंगी मैं। आइडिया, शीला को बुला लेते हैं, अभी वो आ गई ना वापस, तो आ जाएगी इधर 2-3 दिन रहने के लिए, क्यों, उसके हाथ के नक्शे खाने से अच्छा है हम भूखे रह जाएंगे। देखिए आपके बहन के ऊपर विश्वास कीजिए, आता ही उसको थोड़ा बहुत खाना। थोड़ा बहुत? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा भी नहीं आता उसको, कोई जरूरत नहीं बुलाने की, कुछ बनाने के लिए बैठ गई, उसका कुछ रिएक्शन हो गया, जहर बन गया और हमने खा लिया तो। नहीं नहीं उसको मत बुलाओ। वो कुछ नहीं, मैं शीला को यहाँ पे रख के जा रही हूँ, शीला आप दोनों का देखभाल करेंगी, हम और बच्चे जाते हैं। ठीक है जाओ।
जाओ जाओ आराम से जाना, एंजॉय करना। पति का क्या है, कैसे भी खाए कैसे भी रहे कैसे भी सोए, उसकी तरफ कोई ध्यान दे ना दे, तुम अपना करो एंजॉय वहां पे जाके, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ पे कैसे भी रहूँ। क्यों, जाओ जाओ आराम से जाना अपनी बहन के यहाँ पे, मैं रहता हूँ यहाँ पे जैसे रहना है वैसे। नहीं जाती मैं, नहीं जाती नहीं कहीं, यहीं पे पढ़ती हूँ, कभी कभी गई हूँ मैं घूमने, कभी नहीं। ये तो जाके आई एक बार, लॉटरी की टिकट लगी थी फ्री की, फ्री का घूम के आई हूँ मैं, उसके ऊपर भी तू चल गेल कुकरी। हाँ तो मिला ना, एंजॉय किया ना आपने, मैंने तो वो भी नहीं किया। मायके जाना है तो मायके नहीं छोड़ते, बहन के यहाँ जाना है तो बहन के यहाँ भी नहीं छोड़ते। छोड़ो ही मत मुझे, ऐसे पकड़ के रखो बस। क्या हो रहा है ये बेटा, तेरी वजह से वो मेरे भी खेल नहीं करेंगे। जाओ जाओ शर्मिला, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं रहूंगा यहाँ पे हंसी खुशी, और मेरी बहन है ना अपनी खाना बना के खिलाने के लिए, वो बनाएंगे अच्छा खाना मास्टर शेफ जैसा। चलो मैं बहुत पैकिंग कर लिए, मुझे